नमस्कार जी, इस डेली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सूरन की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस सब्जी को आप रोटी या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकती हैं। तो इसे बनाने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम सूरन लिया है। सूरन को मैंने छील कर धोकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ 10 से 15 कली लहसुन की ली है, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा इंच टुकड़ा अदरक और एक प्याज लिया है और इसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसका हम पीस कर मसाला तैयार करेंगे। एक प्याज लिया है, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप इसकी जगह कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 तेज पत्ता लिया है और 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम मसाला पीसकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज, आधा इंच टुकड़ा अदरक का, 10 से 15 कली लहसुन और सूखी लाल मिर्च को थोड़ा पानी डालकर पीस लिया है। तो हमारा मसाला पीसकर अब तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका एक फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। इसके बाद हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर तेल को गर्म करेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें कटे हुए सूरन को डाल देंगे और फिर इस सूरन को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो अब हमारा सूरन गोल्डन हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमने सारे सूरन को बाहर निकाल लिया है। तो अब हम फिर से उसी कढ़ाई में तेज पत्ता, जीरा और प्याज डालकर इसे प्याज के हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। हमें प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ हल्का गुलाबी ही करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें अपने पिसे हुए मसाले को डालेंगे। अभी भी जार में थोड़ा मसाला रह गया है, तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे भी इस कढ़ाही में डाल देंगे। मसाले को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डालकर मिला लेंगे और फिर इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद हम इस मसाले में नमक डालेंगे और फिर से चलाते हुए मसाले को लगभग 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो इस मसाले को और अच्छी तरह से भूनने के लिए हम इसे ढककर धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो हम इसे फिर से अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है।
आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो अब इस भुने मसाले में हम सूरन को डालकर मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फिर आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार इसमें पानी मिला दीजिए। मैंने यहाँ 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और पानी मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और फिर इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है, तो उबाल आने के बाद हम इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद हम इसे धीमी आंच पर ढककर लगभग 5 मिनट तक पकने देंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम कढ़ाई के ढक्कन को खोलकर एक बार फिर से सब्जी को चला लेंगे। और एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा सूरन कितना पका है। आप देख सकते हैं अभी ये पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुआ है। तो चलिए फिर से हम कढ़ाई को ढक देते हैं और 5 मिनट तक इसे फिर से धीमी आंच पर पका लेते हैं। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम सब्जी को एक बार चला लेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा सूरन पककर तैयार है या नहीं। तो आप देख सकती हैं हमारा सूरन अच्छी तरह से पक चुका है और हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हमारी सूरन की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऐसे ही गर्मा गर्म रोटी या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकती हैं। तो चलिए इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद इसे हम ऊपर से हरे धनिया पत्ते से सजाकर सर्व करेंगे। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।